नगर पंचायत पाग बड़ा के दिल्ली नेशनल हाईवे के संपर्क मार्ग की पुलिया टूटी होने के चलते नाले का सारा पानी रोड पर भर जाने से क्षेत्रवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि बीते कई वर्षों से समस्या ज्यों की त्यों बनी है, लेकिन इस समस्या पर अभी तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया, जबकि लगातार शिकायतें की जा रही हैं, मगर समस्या का समाधान नहीं हो रहा। स्थानीय निवासियों की अगर माने तो उनके द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा इस समस्या को अनदेखा किया जा रहा है। बुध बाजार के स्थानीय निवासी और वरिष्ठ समाज सेवी रियासत हुसैन ठेकेदार कहते हैं कि उनके द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही हैं। महानगर के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है, सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन समस्या है कि समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे। इस समस्या के चलते हर रोज ही इस पानी में गिर कर राहगीर चोटिल हो रहे हैं और लोगों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। असल में यहाँ पे एक तो नालियाँ चौक हो जाया करती हैं, अधिकतर आए दिन साफ सफाई का काम भी चलता रहता, और दूसरे हमारे नगर पंचायत को जो NHAI वालों का सिस्टम है, इनका हमारे आलू मिल के सामने बिल्कुल नाला बंद है, उससे आगे पानी जाता ही नहीं। तो ये दिक्कत है, बहुत जल्दी इसको दुरुस्त कराने की कोशिश करी जाएगी। चेयरमैन साहब से भी कह रखा है हमने, और हम जितना भी कोशिश होगी, और हमारे NLC साहब बने हैं नए सतपाल सैनी जी, हम उनसे भी जाके इल्तिजा रखेंगे, भाई हमारा ये काम होना चाहिए। जहाँ तक भी कोशिश होगी यही करेंगे कि ये हमारा काम बढ़िया हो जाए और हमारा नाला वगैरह पानी निकाल से बढ़िया हो जाए। क्षेत्र के पार्षद से जब इस संबंध में बात की गई तो उनका कहना था कि उनके द्वारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी को पत्र लिखा गया है, नगर पंचायत चेयरमैन को भी पत्र लिखा गया है, लेकिन समस्या अभी ज्यों की त्यों है। देखना होगा कि कब जाकर लोगों को इस परेशानी से निजात मिल पाती है।